ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਾਲਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਐਂਡ 87 रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट द एर इन इट क्वेश्चन एरर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स विशु वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस वेन ही टोर हि शर्ट हाँ जी गाय दसो एरर कि पार्टी है सो so, एरर है बी पार्ट ओन की जगह पर ऑफ आएगा नाओ देखो ऑफ क्यों आएगा ऑफ यूज हों नॉन लिविंग का आ पजेषन दस नॉन लिविंग थिंग पोजेन दस पोजेन का मतलब होंगे किसी चीज के उपर हक क्लीयर जिमें द लैग ऑफ चेयर ऑफ़ जो यूज होया चेयर का पोजेशन दस रहा है चेयर लत क्लीर नॉन लिविंग थ पोजेन आप ऑफ के नाम दसते हाँ तो एटी सिक्स बी पार्ट एरर ऊन की जगह पर ऑफ आएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर एटी सैवन फुलिशली मीना थ्रू सम वॉटर ऑन द इलैक्ट्रिक हीटर वेन इट कैचिज फायर एंड शी गोड अशोक ईजी क्वेश्चन है बहुत करो अटैम्प्ट हाँ जी देखो थ्री यू थ्रू की है वर्ब देंड फॉर्म क्लियर अगर कोई सेंटेंस पास्ट फॉर्म तो स्टार्ट हो रहा है तो सारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म रहेगा क्लियर सो एरर रहेगा अपना सी पार्ट केचिज की है वर्ब दंड फॉर्म बट अपना सेंटेंस पास तो स्टार्ट हो रहा है तो सारा सेंटेंस ही पास रहेगा इतना आएगा कोट क्लियर है जी when it caught fire and she got a shock dekho itthe bhi v2 hai verb di second form clear hai chalo next question question number 88 and 89 which of the following phrase should replace the underlined phrase to make the sentence grammatically correct a sentences nu aap grammarically correct karna hai question number 88 द ड्राइवर डिडेंट एक्सीड एट द डिमांड ऑफ द पीपल एज ही वॉज अवेयर ऑफ द रिस्क इनवल्व इन इट हाँ जी दसो कि ऑप्शन आएगा ए बी सी ऑ डी क्वेश्चन नंबर एटी एट देखो सब तो पहला राइट आंसर right है डी ऑप्शन देखो कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आते ऑप्शन क्यों नहीं आती बी ऑप्शन क्यों नहीं आती एंड सी ऑप्शन क्यों नहीं आती तो देखो सब तो पहली चीज एट आप कदों यूज करते हैं एट आप यूज करते हैं विद समॉल प्लेसिस या फिर अगर आप टाइम की गल करिए तो आप एट यूज करते हैं विद एग्जैक्ट टाइम ठीक है ना ही प्लेस की गल हो रही है ना ही इतने टाइम की गल हो रही है ठीक है तो एट वाली ऑप्शन का डायरैक्टली एलिमिनेट, क्लीयर बाय का मतलब की होंगे द्वारा ना ही इतने द्वारा की गल हो रही है तो राइट आंसर आएगा टू वाला टू का मतलब क्या के लिए डिमांड के लिए टू द डिमांड क्लीयर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थ्रू हिज एक्शन स्वेयर ही डिडंट लूज हिज टेंपर नाउ देखो वर्ब दी दाय सैकेंड फॉर्म पही है? है ना वर्ब दी दंड फॉर्म इट मीन सेंटेंस पास सेंटेंस जाएगा है ना तो सारा सेंटेंस ही पास ही रहेगा इतने अपन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गिवन है है ना इट मीनस करेक्ट आंसर होगा जिद की सेकेंड फॉर्म पी होएगी तो बी ऑप्शन डायरेक्टली एलिमीनेट है ना सही आंसर की आएगा ए ऑप्शन वर स्वेयरली क्रिटीसाइज क्लियर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीए सिलेक्ट द च्इस यू कंसीडर मोस्ट एप्रोपरीएट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है डू यू नो हाँ जी की आएगा आंसर करेक्ट आंसर आएगा रजे बी ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है बी ऑप्शन क्यों आएगा एक चीज नोट डाउन करना देखो एक सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर की रहा है पहला सबजैक्ट फिर ਵਰਬ ਫੇਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੈਨ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਪਕੜੋ सब तो बहर ले जाओ सब तो अगे लै जाओ इट मीनस पहला हैल्पिंग वर्ब फेर सब्जेक्ट, दैन मेन वर्ब दैन ऑब्जेक्ट। ठीक है डू यू नो देखो इंटेरोगेटिव है है ना तो देखो वेयर डज पहला हैल्पिंग वर्ब दैन सब्जेक्ट, दैन मेन वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब बार आएगी ऑप्शन करैक्ट रहेगा जिदिंग वर्ब फ्रेंड दे आएगी क्लीयर देखो ऑप्शन ए एच हेल्पिंग वर्ब सबजैक्ट तो पहला नहीं है सी ऑप्शन भी नहीं है एंड डी ऑप्शन भी नहीं है तो इंटेरोगेटिव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जो है वह सबजैक्ट तो पहला होनी चाहिए Clear है क्लीयर है सबनों चलो क्वेश्चन नंबर वन द फैमिली गेव डॉक्टर सॉरी द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द जी क्या आएगा सेलिब्रेशन क्लियर है द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ इिज फिफ्टी बर्थडे क्लियर है इजी क्वेश्चन सी देखो टाइम तो आएगा ही नहीं फॉल कोई सेंस ही नहीं मान रही है ना बर्थडे का सैलीब्रेशन होंगे क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक, देखो ओ ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिदे भी स्पेलिंग ठीक ने करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करने आपा। नाइनटी टू मस् हाँ जी नाइनटी टू डी ऑप्शन करेक्ट मैसीकर मैसीकर मतलब हमें कतलेआम चीज देखना एम तो बाद ए ठीक है फिर डबल एस दैन ए सी आर ई e, याद रखना एंड देख ई आएगा एंड एम तो बाद ए आएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री दाइंड आउट करो करैक्ट स्पैलिंग ए ऑप्शन नहीं आ सकता इग्जाम्पल स्पैलिंग होंगे ने एल ए आर वाई इमरस इंबैर ई एम बी ए डबल आर e -R -R. ता ए भी नहीं हो सकता ठीक है एनवीएस इज द राइट आंसर एनवीएस द स्पैलिंग बिल्कुल ठीक नहीं एंड की होंगे ई एक्स सीई डबल एल एक्सीलेंस डबल एल न आएगा क्लियर एन वे का मतलब होता ईरखा ईर्खा करनी कलियर ना स्टूडेंट देखो एक वर्ड होता जेलेसी एक बर्ड होता एनवे ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਐਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਲਸੀ ਦੇਖੋ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਕਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦicar ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਲੇਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਈਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਲੇਸੀ ਐਨਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਨਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਲੀਵਨ ਨਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਲਸੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਲਸੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨਵੇ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पेयर फाइंड आउट करने हैं देखो जैनुअन का मतलब की होंगे रियल ठीक है सिमुलेटेड, सिमुलेटेड का मीनिंग होंगे हाँ जी मैनुफैक्चरड ऑफ सम अदर मटीरियल मतलब किसी होर मटीरियल तो तैयार होया सिमुलेटेड। जैनुअन मीन रियल ठीक है सिमूलेटिड मीन किसी होर चीज़ तो तैयार होया, होया। आपा leather bag. Leather bag हो जिमें आप कह दिए लैदर बैग लैदर बैग सिमूलेटिड है क्लीयर लैदर की होगी रियल जैनुअन ठीक है अनफेक्टिड की होंगे जी अनअफेक्टिड का मतलब जिन्होंने फर्क ना पैदा होंसर आएगा बोम्बासटिक बोम्बासटिक ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਵੈਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਅਨਫੈਕਟਿਡ ਦਾ ਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਬਾਸਟਿਕ क्लियर नेक्स्ट एक्टर इज रिले टू स्टेज एंड रस्टम इज रिले टू सोल्जर नाउ रस्टम का मीनिंग ही होंगे नोट डाउन कर लेना अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ परसन रिसीव एन अवार्ड अवॉर्ड क्लीअर अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ परसन रिसीव एन अवार्ड और मेडल ती आएगा सोल्जर ओरेटर ओरेटर का मीनिंग होंगे जी पब्लिक स्पीच न बोलते हैं पब्लिक स्पीकर न बोलते हैं पब्लिक स्पीकर पब्लिक स्पीकर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 सिक्स एंड 97 चूज अ वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग इट मीन्स सनोनियम सेम मीनिंग नियरेस्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम हिज प्रिस्टेज हां जी रिडीम का मतलब की होंगे पुनर्प्राप्त करना पुनर्प्राप्त करना तो यह राइट आंसर की आएगा एक्सटेंड एक्सटेंड का भी सेम मीनिंग होंगे क्लियर है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देयर इज सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप का मतलब क्या हों भरपूर का मतलब होंगे भरपूर तो नियरली सेम मीनिंग की होएगा प्लेंटीफुल भरपूर देयर इज अबंड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स कि भरपूर पानी की जरूरत है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट मूमेंट हांजी ओन द स्पर ऑफ द राइट आंसर एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलीबरेशन इडियम्स इडियम्स का मतलब की होंगे मुहावरे तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होंगे बिना तैयारी तो कम करना बिना तैयारी तो कम करना Clear? देखो हम एट वंस एट का मतलब की वंस एकदम करना right क्लियर आएगा एट और विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होंगे बिना तैयारी तो कम करना क्लियर ओपन टू ब्लेम नहीं आ सकता ऑन द साइड ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल नहीं आ सकता इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग स्टाइल नहीं आ सकता क्लियर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन टू स्नैप वंस फिंगर एट देखो एक वर्ड हों अपने को स्नैप द फिंगर स्नैप द फिंगर का मतलब हों चुटकी बजा चुटकी बजा ठीक है चुटकी बजा के वार्निंग देना कह लो क्लियर तो देखो टू मेनटेन द फ्रेंडशिप का ऑप्शन आएगा नहीं फ्रेंडशिप का गल ही नहीं हो रही है ना किसी चीज़ के कॉन्टीन्यूटी की भी गल नहीं हो रही है ना किसी चीज़ से दूर रहने की गल भी नहीं हो रही इट मीनस राइट आंसर क्या आएगा टू गिव द चैलेंज याद रखना स्नैप द फिंगर का मतलब हम चुटकी बजा क्लियर चल लास्ट क्वेश्चन चूज अ वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग कन्फेस कन्फेस का मतलब हमें कंसीड स्वीकार करना क्लियर है